खुद से बढ़कर भरोसा है मुझे तुम पर, इस भरोसे को तुम कभी बेकार ना करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये जो दो लाइनें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये दो लाइनें पति पत्नी भी आपस में शेयर कर सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका भी, दो दोस्त भी और एक शिष्य और गुरु भी, यानी कि दो लोग एक दूसरे को कह सकते हैं ये बात, जहाँ बहुत ज़्यादा प्यार होता है, बहुत ज़्यादा सम्मान होता है, बहुत ज़्यादा समर्पण होता है, वहाँ इन दो पंक्तियों का काफ़ी महत्व होता है, यानी कि भरोसे का बहुत महत्व होता है। और इस दुनिया में मनुष्य को किसी न किसी पर भरोसा होता है, वो चाहे फिर दोस्त हो या फिर पति पत्नी हो या फिर मतलब दो लोग कोई भी हो, उसमें सास बहू भी हो सकते हैं। सास बहू में भी बहुत भरोसा जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि बहू भी अपनी सास को बहुत प्यार करती है, सम्मान करती है। और दो लोग दो लोग आपस में जो एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, वो उनमें एक सिर्फ एक और एक चीज़ होती है, भरोसा। और उसके टूटने के बाद आप अपने उस कीमती इंसान को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से खो देते हैं। एक कहानी आपसे शेयर करती हूँ। एक बार किसी स्कूल के अध्यापक ने अपनी कक्षा के एक बच्चे को एक बड़ा सा डिब्बा दिया और कहा, बेटा ये डिब्बा अपने पिताजी को दे देना और इसे तुम बिल्कुल नहीं खोलना, इसे सिर्फ आपके पिताजी ही खोलेंगे। उस डिब्बे के अंदर कुछ था और बच्चा जब अपने घर वापस जा रहा था तो उसके मन में एक बार आया कि मैं इस डिब्बे को खोल के देख लूं, लेकिन उसी समय उसके मन के कोने से आवाज़ आती है कि नहीं, इसको पिताजी देखेंगे। जंगल से गुजर रहा था और बच्चे के मन में जिज्ञासा थी, देखिए इस डिब्बे के अंदर ऐसा क्या है। लेकिन बार बार वो अपने अध्यापक की बात को याद कर रहा था, बेटा तू इसे मत खोलना, इसे तेरे पिताजी ही खोलेंगे। लेकिन फिर बच्चे ने ये सोचा कि उसके गुरु जी उसे कहाँ देख रहे हैं, उसके टीचर उसे कहाँ देख रहे हैं, वो एक बार वो डिब्बा खोल के देख लेगा तो टीचर को पता भी नहीं चलेगा। बच्चे के मन की जिज्ञासा इतनी अधिक थी, आखिरकार उसने वो डिब्बा खोल लिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, उस डिब्बे के अंदर एक चूहा था जो तुरंत उस डिब्बे से निकल के भाग गया और वो बच्चा चूहे को पकड़ नहीं सका और उसने डिब्बा दोबारा बंद कर लिया और अपने घर पहुँच गया। वो डिब्बा उसने अपने पिताजी को दे दिया और कहा, पापा ये डिब्बा मुझे टीचर ने यह कह कर के दिया था कि ये डिब्बा मैं आपको दूं, सिर्फ आपको दूं और आप ही इसे खोलें, कोई दूसरा नहीं। लेकिन मैंने ये डिब्बा खोला था, इसमें एक चूहा था जो निकल के भाग गया। और फिर उल्टे बच्चा ही अपने पिता से सवाल करता है, देखिए कैसा टीचर है जिसे कोई और काम नहीं है, ये सिर्फ चूहे भेजता है पेरेंट्स को, और ये स्कूल भी कैसा है, ऐसे टीचर्स को रखता है जो पेरेंट्स को चूहे भेजते हैं। और मैं आपसे भी पूछता हूँ कि जहाँ टीचर ऐसे हैं जो पेरेंट्स को चूहे भेजते हैं, वहाँ आपने मुझे क्यों भेजा? खैर, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कुछ खोया नहीं है, एक चूहा ही तो था उस डिब्बे के अंदर। ये बच्चा कह रहा है अपने पिता से कि मैंने कुछ खोया नहीं है, एक चूहा ही तो था उस डिब्बे के अंदर। और तब उस बच्चे के पिता ने उसको बहुत ही एक खूबसूरत सा जवाब दिया और कहा, बेटा ये तुम्हारा इम्तिहान था और तू उस इम्तिहान में फेल हो गया, तूने चूहा नहीं खोया है, तूने अपने टीचर का जिंदगी भर का भरोसा खोया है। तो दोस्तों, हमारी छोटी सी गलती हमारे जो अपने होते हैं उनको दूर कर देती है, यानी कि जिस भरोसे के चलते हमारा एक रिलेशनशिप बना होता है वो हमसे दूर हो जाता है, वो व्यक्ति ही हमसे दूर हो जाता है। हो सकता है वो आपके साथ रहे लेकिन उसके मन में एक दरार सी रहेगी। फिर वो भरोसा चाहे दोस्ती का हो, पति पत्नी का हो, सास बहू का हो, नौकर या मालिक का हो, आप कहेंगे कि चूहा भरोसा कैसे हो सकता है? तो टीचर ने अगर चूहा दिया है तो उसे पता था कि डिब्बा खुला तो चूहा गया, ये टीचर को पता था। ये एक भरोसा था जो
उस बच्चे के टीचर जो है उसको देकर के भेजे थे उसके पिता के पास, और टीचर को ये भी पता था कि ये बच्चा है, इसमें जिज्ञासा है, लेकिन इसको जब मैंने कह दिया है कि इसको पिता को देना है, तो ये एक लाइन भरोसे भरी थी, और वो लाइन जो उसने दे के भेजी थी कि तुम इस डिब्बे को अपने पिता को ही देना, तो वो भरोसा उसने रास्ते में ही खो दिया। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जो बच्चे ने सवाल किया था कि कैसे टीचर्स हैं पेरेंट्स को चूहा भेजते हैं, तो दोस्तों छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत ही छोटी सी बात होती है दो लोगों के बीच में, जो एक भरोसे को बनाए रखती है। और ये भरोसा जो होता है ना, ये दो लोगों को एक तरह से चिपकाए रहता है, जुड़े रहता है, और अगर ये टूट जाए तो समझिए कि फिर रिलेशनशिप में क्या रह गया। और मैं आपसे क्यों कह रही हूँ दोस्तों, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो चूहा टीचर ने उस बच्चे के डिब्बे में भेजा था, ये एक भरोसा था, आप क्या कहते हैं उस टीचर के बारे में, उस बच्चे के बारे में, और उस पिता के बारे में, और इस भरोसे के बारे में। और वो चूहा ही क्यों था, क्योंकि चूहा एकदम से उछल के हाथ से निकल जाता है और फिर वो वापस नहीं आता। तो आपकी राय, आपका नोट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मैं चाहूँगी आप अपनी राय इस पर ज़रूर दें, और आपसे फिर मिलूँगी मैं किसी और कहानी के जरिए, किसी और खबर के जरिए। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, आज इतवार है। उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक काफ़ी इंजॉय किया होगा, आपका दिन बहुत अच्छा रहा होगा। फिर मिलती हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।